सुपर फिल्म सीरीज गोलमाल के पहले पार्ट गोलमाल फन अनलिमिटेड में मुख्य किरदार निभाने वाले शमन जोशी ने कहा कि उन्हें गोलमाल सीरीज की फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान शमन ने बताया कि उनके मैनेजर और फिल्म के मेकर्स के बीच किसी बात पर सहमति न बन पाने की वजह से उन्हें इस सीरीज से बाहर कर दिया गया। बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस फिल्म में काम करने के लिए ज्यादा फीस मांग रहे थे, तो इसके जवाब में शमन ने कहा, फीस को लेकर मेरे मैनेजर और मेकर्स के बीच बात चल रही थी, ईगो क्लैश के कारण शायद बात नहीं बन सकी और मुझे इस फिल्म से निकाल दिया गया। यह सब होने से पहले मैंने फिल्म के प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना है, लेकिन शायद मैं लेट हो चुका था और इस फिल्म में मेरे किरदार के लिए किसी और को फाइनलाइज किया जा चुका था। हालांकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। शमन से अगला सवाल पूछा गया कि क्या उनके इस फिल्म सीरीज से एग्जिट की वजह रोहित शेट्टी और अजय देवगन है। इसका जवाब देते हुए शमन ने कहा, मुझे नहीं पता मुझे इस सीरीज से बाहर निकालने में किसका हाथ है, क्योंकि मैं उस वक्त रोहित और अजय से बात नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि यह काम अजय और रोहित ने नहीं किया होगा। इसके पीछे प्रोड्यूसर का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि पैसे बढ़ाने को लेकर उनसे बात नहीं बन पाई थी। आपको बता दें कि गोलमाल फ्रेंचाइज की पहली फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड में शमन ने एक अहम किरदार निभाया था, लेकिन जब इस सीरीज की अगली फिल्म गोलमाल रिटर्न रिलीज हुई तो उसमें शमन को श्रिया स्थलपड़े से रिप्लेस किया जा चुका था। उस वक्त यह खबरें आ रही थीं कि शमन ने जब फिल्म के मेकर्स से ज्यादा पैसे की डिमांड की तो वे इसके लिए तैयार नहीं हुए, लिहाजा शमन ने अपनी मर्जी से खुद को फिल्म से अलग कर लिया।